सो अपन करेंगे 3 अक्टूबर की न्यूज़ के बारे में, द इम्पोर्टेंट न्यूज़ विच इज़ गोइंग फॉर प्रीलिम्स। सो अभी स्टेशन जो होते हैं, मतलब रेलवे स्टेशन वगैरह जो होते हैं, वहाँ पे एक सर्वे किया गया है। ये स्टेशन का जो सर्वे किसी थर्ड पार्टी के द्वारा कराया गया है, जिस थर्ड पार्टी ऑडिट, जिसने बताया है कि हमारे देश में जो टॉप 3 जो क्लीनिंग रेलवे स्टेशन हैं वो जयपुर, जोधपुर, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये। नेक्स्ट अपन चलते हैं इसके अंदर नॉर्थ जो रेलवे है वो काफ़ी स्वच्छ यानी क्लीन है। नेक्स्ट चलते हैं मो सरकार। मो सरकार क्या चीज़ है? मो सरकार एक इनिशिएटिव है जो कि उड़ीसा के द्वारा चलाया जा रहा है, जिसमें कि पुलिस स्टेशन और हेल्थ हॉस्पिटल्स के जो जो है वहाँ पर लॉन्च किया गया है, ताकि जो लोगों को सर्विसेज हैं वो आसानी से मिल सकें। सो इट्स नॉट दैट इम्पोर्टेंट फॉर प्रीलिम्स। विलेज सेक्रेटरीट जो है लॉन्च किया गया है आपके आंध्र प्रदेश के द्वारा। इसमें क्या होता है कि जो कुछ सर्विसेज है, जो डोर टू डोर सर्विसेज हैं जो सरकार द्वारा जारी की जाती है, वो बेचारे के जो गांवों के लोग हैं उनको मिल सके, इसके लिए ये लाया गया। तो विलेज सेक्रेटरीट इज़ अ गुड कॉन्सेप्ट टू प्रोवाइड द सर्विसेज टू द विलेजर्स ऑफ कोर्स। नेक्स्ट है इंडिया और जो हैदराबाद के निज़ाम के बीच में जो विवाद चल रहा था कि भाई पाकिस्तान बोल रहा था कि हमारा पैसा है, हमारा पैसा है, वो सॉल्व हो गया है। इट्स नॉट दैट इम्पोर्टेंट फ्रॉम द यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू। हैदराबाद को इंडिया के अंदर ऑपरेशन पोलो के तहत जो 1948 के अंदर शामिल किया गया था पुलिस एक्शन से, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आफ्टर इंटीग्रेशन निज़ाम जो था वो हेड ऑफ द स्टेट था, सो दैट वॉजेंट ए गुड आइडिया। नेक्स्ट चलते हैं काटसा। काटसा एक तरह का एक्ट है जो कि अमेरिका का एक्ट है, और अमेरिका ने बोला है कि जो ईरान और आपके नॉर्थ कोरिया और रशिया है, इससे आप व्यापार नहीं करोगे, ऐसा अमेरिका का कहना है। बट इट्स नॉट ए गुड थिंग। इंडिया जो है वो रशिया के साथ में S-400 मिसाइल का जो है व्यापार करने वाला था, इसके लिए आपत्ति थी अमेरिका को। नेक्स्ट चलते हैं इम्पोर्टेंट न्यूज़ है कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के अंदर भारत 22 जो है वो भी एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड का मतलब होता है इस तरह के म्यूचुअल फंड जिसको आप स्टॉक मार्केट जो होता है वहाँ पर आप ट्रेड कर सकते हो, जैसे अपन शेयर्स को करते हैं। जनरली क्या होता है कि म्यूचुअल फंड होते हैं उनको आप स्टॉक मार्केट के अंदर शेयर नहीं कर सकते, लेकिन जो आपके ETF होते हैं उनको आप स्टॉक एक्सचेंज के अंदर शेयर कर सकते हो। तो ये एक तरह के म्यूचुअल फंड है जो कि काफ़ी अच्छा एडवांटेज देते हैं। इट्स ए काइंड ऑफ बाई सेल ऑन द रियल टाइम। ETF जो होते हैं वो एक्चुअली कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं और ज़्यादा रियल टाइम इसको सेल कर सकते हो कंपेयर टू द अदर म्यूचुअल फंड्स। भारत 22 जो है उसके अंदर 22 प्रकार के स्टॉक अवेलेबल हैं पब्लिक सेक्टर बैंक के या पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज के। इसमें 6 सेक्टर लिए गए हैं, बेसिक मटेरियल, एनर्जी, FMCG एंड ऑल। इसके अंदर जो ICICI है वो एक ETF मैनेजर है इसका, और इसके अंदर जो इंडेक्स आती है वो एशियन इंडेक्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा इंडेक्स प्रोवाइड कराई जाती है। ब्लू चिप क्या होता है? ब्लू चिप एक तरह की कंपनीज होती हैं, या यूँ कह सकते हो ब्लू चिप इस तरह के एंटरप्राइज होते हैं जो काफ़ी स्टेबल जो होते हैं या मार्केट में काफ़ी लंबे समय से कार्य कर रहे होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो है उस पर बैन लग गया है, जैसा कि मोदी जी ने बताया है। और WWF जो है आपके वर्ल्ड लाइफ फंड ने भी बोला है कि जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक इज़ हार्मफुल फॉर इंडिया। इसके अलावा 2011 के जो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स आए थे, जो कि IAS में पूछा गया था कि भाई एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, तो दैट इज़ ए गुड क्वेश्चन दैट आज इन IAS। एक कीवर्ड होता है आपका प्लॉगिंग। प्लॉगिंग का मतलब होता है जॉगिंग करते करते हुए आपको क्या करना है कि जो कचरा है उसको उठाना है। नेक्स्ट है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर जो है लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट और असेंबली हुई थी जिन्होंने सोलर पंप वगैरह यूज़ किए थे, लैंप वगैरह यूज़ किए थे। इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। स्टैटिक क्विज की ओर चलते हैं। करंट अकाउंट डेफिसिट इज काइंड ऑफ इंपॉर्टेंट। करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब ये होता है कि आपका एक्सपोर्ट जो है वो कम हो रहा है और आपका इम्पोर्ट जो है वो ज़्यादा हो रहा है, आपका पैसा बाहर ज़्यादा जा रहा है। करंट अकाउंट के अंदर बेसिकली आपके जो इनकम आती है, इंटरेस्ट आता है, वो सब आते हैं, रिमिटेंस वगैरह आते हैं। सो इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू शुड नो अबाउट इट वेरी वेल। इंडिया का जो करंट अकाउंट डेफिसिट चल रहा है वो आज के तारीख में 2% ऑफ GDP चल रहा है, सो ठीक ठाक है, पिछले बार से कम हुआ है थोड़ा सा। नेक्स्ट चलते हैं टैक्स टू GDP रेशियो की हम बात करें। अगर इंडिया को अपना इनकम टैक्स अगर बढ़ाना हो तो क्या करना पड़ेगा? तो ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, यू कैन डू इट। अपार्ट फ्रॉम दैट डिफ्लेशन और डिस इन्फ्लेशन ये सब क्या होते हैं? तो कीवर्ड होते हैं, ये शुड याद कर लेना इनको, इट्स काइंड ऑफ इंपॉर्टेंट।
नेक्स्ट चलते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड AIF. AIF जो होते हैं वो सेबी के द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. इसके अंदर जो है आपके वेंचर कैपिटल फंड, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, बहुत सारे ऐसे फंड आते हैं. लेकिन इसमें ध्यान रखना सिर्फ म्यूचुअल फंड नहीं आते हैं अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के अंदर. नेक्स्ट चलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क. ये मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क जो एग्रीमेंट है बेसिकली ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया RBI के बीच में हुआ था. गवर्नमेंट ने ये बोला था कि हमारा जो जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई है दर, वो 2% से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, 4% से प्लस माइनस हो सकता है, ऐसा कुछ है. सो यू शुड नो इट वेरी वेल. मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. इसके मेंबर क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं, IAS में पूछा गया क्वेश्चन है. नेक्स्ट चलते हैं अपन क्विज की ओर. आपका क्विज है जन औषधि सुविधा. इसमें सैनिटरी पैड्स वगैरह मिलते हैं प्रधानमंत्री योजना के तहत, और ये बायोडिग्रेडेबल होते हैं, 1-2 रुपये लगते हैं, फ्री में तो नहीं मिलता है ये. इसके अलावा आपको जैसा कि पता है कि एक RPO होता है. RPO का मतलब ये होता है, RPO मतलब है कि रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशंस. कोई भी कंपनी इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस करती है उसको क्या करना पड़ता है कि कोई भी रिन्यूएबल सोर्स से भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी पड़ती है. तो अभी क्या है, क्या है कि रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ जो न्यू एनर्जी, उसने बोला है कि आप जो है ओशन एनर्जी है, जो ओशन एनर्जी है उसका प्रयोग भी कर सकते हो टू प्रोड्यूस दी रीपर्चेज ऑब्लिगेशंस. RPO आप जो है ओशन एनर्जी से भी प्रोड्यूस कर सकते हो, सो इट्स अ गुड थिंग. यूनेस्को के जो भी इंटेंजिबल जो है कल्चरल हेरिटेज हैं वो शुड नो, आपको पता होना चाहिए. इट्स अ काइंड ऑफ इंपॉर्टेंट, कैन बी आस्क इन द एग्जाम, लाइक कुंभ मेला एंड यू नो नवरोज युगा एंड ऑल. हेपेटाइटिस सी की अपन बात करें तो इट्स ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ये लीवर की बीमारी होती है, वायरस की वजह से ये होती है. ब्लड जो होता है एक दूसरे का ट्रांसफर हो जाता है तो उसकी वजह से होती है. पर इसमें सबसे आश्चर्य की बात यह है कि जो जो आपका ब्रेस्ट मिल्क होता है, जो फूड होता है, वाटर होता है, उससे ये बीमारी नहीं फैलती है. बड़ा आश्चर्य लगता है मुझे भी ये. अगर किसी को HIV है तो ये जल्दी बीमारी हो सकती है उसको. TN मल्होत्रा कमेटी जो, इसका संबंध जो है ये सेकेंडरी मार्केट का डेवलपमेंट करना है अपन को कॉरपोरेटिव लॉन्च के माध्यम से. नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट के रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू के क्वेश्चन हैं आपके पास. स्टेट क्लीन सर्वे जो है अपन ने पढ़ी लिया है, सो वी डोंट नीड टू कवर इट अगेन. इसके बाद में पंचायती राज को अगर आपको मजबूत बनाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमीशन वगैरह से बनाने पड़ेंगे. डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमीशन जो है हमारे आर्टिकल 243Z(d) के अंदर मेंशन किया गया है. इसके अलावा ग्रांट जो है सरकार देती है, इसके अलावा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है वो सरकार ने कर रखा है. तो ये सब जो है पंचायत को स्ट्रॉन्ग करते हैं. प्रिंसली स्टेट ऑफ हैदराबाद अपन ने पढ़ी लिया है. हैदराबाद की अपन अगर ब्रीफ हिस्ट्री की बात करें तो इसको 1591 के अंदर जो है कुतुब शाही रूलर जो है कुतुब शाह ने इसको बनाया था मूसी रिवर के ऊपर, और डेक्कन के ऊपर जो है कुतुब शाही ने लगभग 170 सालों तक इसका जो है राज किया था. नेक्स्ट अपन चलते हैं काट्सा. ये काट्सा अपन ने पढ़ी लिया है, एक अमेरिका का लो है जो कि पाबंदी वगैरह लगाता है. एक्सचेंज ट्रेडेड फंड अभी अपन ने रिसेंटली पढ़ा है. Bharat 22 जो है वो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड आते हैं के अंदर आता है, जिसमें खरीद बेच कर सकते हो आप. एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी IAS में पूछा गया है, ये प्लास्टिक मैनेजमेंट रूल के अंदर आता है. ई वेस्टेज जो होता है, ई वेस्टेज के अंदर जो बैटरी वगैरह जो होती है, जैसे एसिड की बैटरीज वगैरह जो, या रेडियो एक्टिव जो वेस्टेज होता है वो जो है इस रूल के अंदर नहीं आता है, वो किसी दूसरे रूल के अंदर कवर किया गया है. स्वच्छता ही सेवा अपन ने पढ़ी लिया है. स्वच्छता ही सेवा जो है मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर द्वारा चलाया जा रहा है. स्वेज कनाल की अपन बात करें तो स्वेज कनाल का स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट आपको पता होना चाहिए. जैसे स्टार्टिंग जो होती है, जैसे आपका ये पोर्ट सेट से स्टार्ट होता है और उसके बाद में ये स्वेज आपके पोर्ट तक जाता है. इसके बाद में चलते हैं अपन वेस्ट टू ईस्ट की अपन बात करें तो कुछ जो राज्य हैं या स्थान हैं आपको पता होना चाहिए, जैसे गिलगित कहाँ है या श्रीनगर वगैरह कहाँ है, यू शुड नो. नेक्स्ट अपन चलते हैं बाबा के क्विज की ओर. तो नेक्स्ट है आपका कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स होती है उसके अंदर कौन कौन से पॉल्यूटेंट आते हैं, इसमें पूछे गए क्वेश्चन है. 8 प्रकार के होते हैं ये, यू शुड नो ऑल ऑफ दिस. तिस्ता रिवर की हम बात करते हैं, इट्स इंपॉर्टेंट. तिस्ता रिवर जो होती है बेसिकली आपकी ईस्टर्न हिमालय से जनरेट होती है, ओरिजिनेट होती है, फिर उसके बाद में ये वेस्ट बंगाल या सिक्किम के अंदर जाती है आपकी, और फिर बांग्लादेश से होते हुए ध्यान रखना, आपके बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है. रंगीत जो है इसकी एक ट्रिब्यूटरी है, यू शुड नो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ये जो चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट है इसका जो निर्माण है बेसिकली एक्ट के तहत किया गया था 1949 के अंदर, एक्ट के तहत. और ये हमारे देश में जो है
स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग जो है उसको प्रतिपादित करती है। नेक्स्ट अपन चलते हैं पॉली टेक्निक सेफ्टी स्विच क्या होते हैं। ये जनरली जो बैटरी के जो व्हीकल होते हैं, जो बैटरी कारें होती हैं, जो बैटरी व्हीकल्स होते हैं उनके अंदर इसको अप्लाई किया जाता है, नॉट ऑन ऑन द ऑल व्हीकल्स, सो ताकि झटका ना लगे वाली बात है। परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स जो है इंपॉर्टेंट है। बेसिकली ये एक्चुअली मंथली इंडेक्स होती है जो कि आपके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बताती है कि प्राइवेट सेक्टर के लोग कितना अच्छा मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। इसको पब्लिश किया जाता है जनरली जापान की एक संस्था है निक्की निक्की करके, उसके द्वारा जो है इसको पब्लिश किया जाता है। सो इट्स काइंड ऑफ इंपॉर्टेंट, PMI इज काइंड ऑफ इंपॉर्टेंट फॉर द मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्सेज एंड ऑल, सो इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, यू शुड नो। नेक्स्ट चलते हैं अपना कपल्ड फोरकास्ट मॉडल की हम बात करें। कपल्ड फोरकास्ट मॉडल जो होता है वो वेदर फोरकास्टिंग वगैरह के लिए यूज़ में होता है। यूनिसेफ की अपन बात करें तो यूनिसेफ जो है उसने बोला है कि अगर ओपन डेफिकेशन फ्री बनाया जाएगा स्वच्छ भारत की वजह से भारत को करोड़ों रुपए का फ़ायदा होगा। नेक्स्ट है वायुश्री जो सम्मान है जो बेसिकली ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस द्वारा दिया जाता है सीनियर सिटीजन को या फिर किसी इंस्टीट्यूट को भी दिया जा सकता है, ये प्रेसिडेंट इसको देते हैं ये अवार्ड को। नेक्स्ट चलते हैं बायोस्वेल्स क्या होते हैं। ये एक तरह के वाटर जो रेन वाटर जो होता है, बारिश अगर गिर रही है तो उसको किस तरह से अपने को सेव करना है, जैसे रेन हार्वेस्टिंग होती है उसी तरीके से ये बायोस्वेल्स होते हैं। सो इट्स काइंड ऑफ इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो दिस इज आवर न्यूज़ फिनिश, थैंक यू।